वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ये मसाजर। इसको मैं बताऊंगी कि हमने कैसे अप्लाई करना है। शेन डोंट डू अगेन, माई सन इज डिस्टर्बिंग मी, बट आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो। एंड एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ मसाजर्स आ चुके हैं। इससे पहले जो था वो मैं ये यूज़ करती थी क्योंकि मुझे ये अपने चिन के लिए चाहिए था। सो आई थिंक ये बहुत यूजफुल मेरे रहा है, जिसको मैं इस तरीके से यूज करती थी ये जॉ लाइन के लिए। एज यू कैन सी, और इसको जो है हम लोग ये इसके ऊपर जो ये हैं बॉल्स लगे हुए हैं जो हमें हेल्प करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में। और इसको मैं इस तरीके से यूज करती थी। इसके अलावा जेल रोलर आई थिंक आ चुका है, और क्वाशा है वो भी बहुत अच्छा है। हर प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी होती है कि वो क्या वर्क कर रहा है। और इसको मैं फाइंड कर रही थी बहुत दिनों से, और 2 मंथ्स 3 मंथ्स से। अच्छा, ये भी इसकी भी 2 काइंड्स हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक है और ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक का और ये सिंपल जो प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है उनका भी एक ही काम है। हम लोगों को ख़ुद उसको जो है वो करना है अप्लाई, और ख़ुद हमने उसको ऐसे मूव करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक का भी ये है कि वो सिर्फ कहने में इलेक्ट्रॉनिक है, बट हम लोग को खुद उसको मूव करना है। सो आई प्रेफर दिस, सो आई एम गोना यूज। एंड फर्स्ट हम लोग को चाहिए कि हम अपने फेस को जो है मॉइस्चराइज कर लें किसी ऑयल के साथ जो हमारी स्किन को सूट करे, जैसे कि आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या कोकोनट ऑयल है। आई प्रेफर कोकोनट ऑयल बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। सो मैंने ऑलरेडी जो कोकोनट ऑयल है वो अप्लाई कर लिया है। इसके अलावा हम लोग एलोवेरा जेल ले सकते हैं, अगर हमने उसको एलोवेरा जेल को अप्लाई करना है, बिकॉज अगर बहुत ड्राई होगा तो शायद ये अच्छे तरीके से काम ना करें और हमें उसका रिजल्ट जो है वो ठीक से ना मिले, ठीक है। शेन डोंट डू प्लीज, आई एम टॉकिंग। सो इसको आप किस तरीके से अप्लाई करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग अगर नेक से स्टार्ट करें तो नेक का जो काम है हम लोगों ने ऐसे इसको लेके आना है, और हमें ये खुद फील होगा एज यू कैन सी। और इसको अगर आप न्यू फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप इसको 5-5 टाइम कर सकते हैं। मैं यूजली करती रहती हूँ, सो मैं इसको ऑलमोस्ट 10 टाइम करूंगी, ठीक है। अब हमने इधर से लेके आना है, ये साइड आप देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, ठीक है। अच्छा, जब हमने नेक को नेक की मसाज करनी है तो हमने ऊपर से इसको नीचे के लेके आना है, और जब हमने इस चीज की मसाज करनी है तो हमने यहाँ पे एक प्रेशर पॉइंट बनता है जो हम लोगों ने इसको यहाँ पे करना है, ठीक है। और इसी तरीके से यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यू विल फील अमेजिंगली, यू कैन फील वेरी इजीली। और इसको जब हम अप्लाई कर रहे हैं इसके जो रोलर्स हैं, इवन हम लोग फील करेंगे कि ये वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने, अब मैं 10 टाइम नहीं करूंगी, बट मैं आप लोग को इस तरीके से बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसी तरीके से हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और इस साइड से भी 1, 2, 3, 4, 5 and 6।
हमारे यहाँ के प्रेशर पॉइंट्स हैं, अगर किसी ने नाक की ये वाली साइड पे करना है तो वो भी कर सकते हैं, यूजुअली लोग यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है जॉ लाइन के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम इस डायरेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा हमें जो फाइन लाइंस आ जाती हैं, ये हमें उसमें हेल्प करता है, स्पेशली हम लोग को आइज़ के अराउंड आती हैं, चेन प्लीज डोंट डू, आइज़ के अराउंड आ जाती हैं और यहाँ माउथ पे आ जाती है मेरी, एक्चुअली लाफिंग लाइन, मेरी जो फैमिली है उन लोगों को तो पता होगा कि मेरी लाफिंग लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, शेन। सो अगर उसको रिमूव करना है तो उसको भी बहुत हम इजी तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और हाँ, अगर हम लोग के यहाँ पे किसी के फोरहेड पे भी मतलब लाइंस होती हैं, मेरे तो नहीं वैसे इतनी ज़्यादा, बट हाँ अगर हम लोग एंग्री होते हैं तो हम लोग प्रोमिनेंट ऐसे करके समझ आ जाती है हम लोग को, तो उसके लिए भी इसको इस तरीके से हम लोगों ने यूज़ करना है, इस तरीके से। और इसके अलावा आईज को यहाँ से लेकर हम लोग एक प्रेशर पॉइंट दे सकते हैं। आप इसको वन साइड पे भी यूज कर सकते हैं, मीन्स कि अगर हम लोग का दूसरा जो है उस पे नहीं हमारा एंगल इस तरीके से बन रहा, इस ये चीज़ का तो बन रहा और ये हमें फील भी होगा, लेकिन अगर जिस तरीके से ये साइड है तो हम इसको सिंगल यूज कर सकते हैं, डोंट डू, हम इसको सिंगल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या रह गया? मैं आपको एक दफा करके बता रही हूँ। इसके अलावा जो ये है हमारी हेल्प करता है हमारी डबल चिन को ख़त्म करने में भी, और अगर हम लोग नॉर्मली हम लोग अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं टीवी देखते हुए, इससे बेहतर हम लोग ये यूज़ कर लें, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, और ये हम बहुत ज़्यादा जो है जल्दी इसका असर हमें जो है फेस पे फील होगा, और इवन कि हम लोग जब इसको वन टाइम कर रहे हैं हमें पता है कि हमारी स्किन को किस तरीके से वर्क करेगा। अगर किसी को यहाँ पे जो कट चाहिए होता है, जो हम लोग कंटोरिंग से हम लिखते हैं, और अगर हम लोग इसको रेगुलरली यूज़ करें तो ये एक बहुत अच्छी तरह से हम लोग के एक फेस पे जो है वो कट में हेल्प करेगा, और आई फील लाइक के जो लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसे सैलॉन्स जाके या कुछ, मैं सैलॉन नहीं जाती, मैं अपने घर पे ही अपना सारा काम कर लेती हूँ, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करना सही समझती हूँ, और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आप लोग सैलॉन जाते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देख लें कि आप लोगों ने ये लेना है, क्योंकि ये जो है ये हमें बहुत ही हेल्प करता है इजीली हर तरह के फैट को ख़त्म करने में, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसके अलावा फाइन लाइन को रिड्यूस करता है, और ये हेल्प करता है हम लोग के जो हम लोग को बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं उससे ये हेल्प करता है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड येस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। Now Shane will show you how to use this. Shane, how this roller can work, huh? You can show them. Yay! Wow! Wow! You also have double chin, right? You should remove this. Okay? Okay, guys, I'll see you in the next video. Till then, bye!